सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू क्लैरियन कंप्यूटर्स। एंड आज आप लोगों के सामने जो रखा हुआ है वो एक मैसिव 7.5 लाख रुपीस का पीसी बिल्ड है। लिटरली मैं अपने लाइफ में पहली बार अपने सामने देख रहा हूँ एक 7.5 लाख रुपीस का पीसी बिल्ड। बहुत ज़्यादा मैसिव होने वाला है। बहुत इनसेन कंपोनेंट्स को इस वाले पीसी बिल्ड के अंदर यूज़ किए गए हैं। कौन से कंपोनेंट्स यूज हुए हैं सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। एंड इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, एटलीस्ट इस वीडियो को तो नहीं। और अगर आपको ऐसा सिमिलर सा पीसी बिल्ड करना है आप हमारा शोरूम विजिट कर सकते हो, नहीं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा जो नंबर है आपको मिल जाएगा ऊपर, और साथ ही साथ आपको हमारा वेबसाइट मिल जाएगा जहाँ आपसे आप काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर पीसी कंपोनेंट्स को परचेज कर सकते हो। और अगर आपको भी ऐसे ही पीसी के कंपोनेंट्स के ऊपर वीडियोस देखना अच्छा लगता है, पीसी बिल्ड देखना अच्छा लगता है, डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ दबा देना बेल आइकन को ताकि आपको भी मिल जाए हमारे वीडियोज़ को नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो शुरू करते हैं अब आज के हमारे इस वाले पीसी बिल्ड को। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द मदरबोर्ड, इस बिल्ड के अंदर जो हमारा मदरबोर्ड यूज़ किया जा रहा है वो हमारा असूस का आरओजी मैक्सिमस Z790 एक्सट्रीम। एक बहुत ही हाई एंड एक मदरबोर्ड, लिटरली हमारे i9 जैसे प्रोसेसर को हैंडल करने के लिए मोर देन इनफ है। एंड साथ ही साथ इसके अंदर आप ओवरक्लॉकिंग भी कर पाओगे, इतना कैपेबल है इसका VRM सेक्शन। साथ ही साथ बहुत एडवांस लेवल का ये मदरबोर्ड है। जो प्रोसेसर यहाँ पे यूज किया जा रहा है वो हमारा और कुछ नहीं, कोर i9 का 13900K, जो कि इंटेल का कोर i9 13900K, 24 कोर्स, 32 थ्रेड्स। बोलने की जरूरत नहीं है, टोटली एक मॉन्स्टर CPU है, बहुत ही इनसेन परफॉर्मेंस ऑफर कर देता है। और रैम के अंदर यहाँ पे यूज किया गया कॉर्सर का डोमिनेटर प्लेटिनम RGB 64GB का रैम। यहाँ पे टोटल 16GB के 4 रैम स्टिक्स है, मतलब कि यहाँ पे दो दो किट्स का यूज किया जा रहा है। एक किट के अंदर 2 रैम है, तो यहाँ पे टोटल 4 रैम का यहाँ पे यूज किया गया है, जो कि काफी ज्यादा ब्राइट लगता है। लुक्स के साथ साथ ये जो रैम आता है 7200 MHz की मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ में, विच इज बहुत बहुत ज्यादा है लिटरली। एंड Z790 मदरबोर्ड के अंदर हम इस रैम के स्पीड को भी अचीव कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बात हो जाता है। वेल, आ जाते हैं स्टोरेज के अंदर। तो यहाँ पे बहुत सारा स्टोरेज यूज किया गया है, WD का ब्लैक SN850X यूज किया गया है। यहाँ पे टोटल 1 TB के 4 SSDs को यहाँ पे यूज किया गया, आप यहाँ पे देख सकते हो सामने रखा हुआ है, यानी कि टोटल 4 TB का NVMe Gen 4 NVMe SSD स्पीड आपको नेक्स्ट लेवल का मिलने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पे यूज किया गया सैमसंग का 990 Pro 2 TB का Gen 4 NVMe SSD। ये यहाँ पे सिंगल पीस लग रहा है 2 TB का Gen 4 NVMe SSD। और ओवरऑल यहाँ पे टोटल 5 NVMe SSDs हो जाते हैं, जो कि हमारे इस वाले बिल्ड के अंदर लगने वाला है। और यहाँ पे आप जो CPU देख रहे हो हमारा, इसको कूल डाउन करने के लिए यूज किया जा रहा है असूस का ROG Ryujin 2 360 ARGB, जो कि एक 360mm का AIO लिक्विड कूलर है। देखने में बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है, साथ ही साथ इसके अंदर आपको LCD मिल जाता है। लुक अच्छा आने के साथ ही साथ इसका कूलिंग परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, जो कि हमारे इस वाले प्रोसेसर के लिए काफी एक बढ़िया चॉइस रहने वाला है। देखो हमारा यहाँ पे ऑल ROG PC बिल्ड हो रहा है, तो यहाँ पे ग्राफिक कार्ड के अंदर यूज किया गया है असूस का ROG Strix गेमिंग RTX 4090, जो कि 24GB का GDDR6X VRAM के साथ आने वाला ग्राफिक कार्ड है। यह आपको 4K गेमिंग करवाने के साथ साथ 8K गेमिंग तक करवा सकता है, इतना कैपेबल ये ग्राफिक कार्ड है। और देखो यहाँ पे कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा तगड़े लेवल के लग रहे हैं, पावर रिक्वायरमेंट बहुत अच्छा खासा होने वाला हमारे इस वाले सिस्टम का, तो इसीलिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है असूस का ROG Thor 1200W का पावर सप्लाई। जी हाँ, ये वही वाला पावर सप्लाई जिसके अंदर आपको डिस्प्ले मिलता है, और देखने में बहुत बढ़िया लगता है ये पावर सप्लाई। और साथ ही साथ हमारे इस सिस्टम को जो पावर रिक्वायरमेंट होगा उसको भी काफी अच्छे से फुलफिल कर पाएगा। और आपको पता है हमारे 4090 के साथ में ATX 3.0 केबल्स के साथ पावर सप्लाई लगाना ज्यादा बढ़िया रहता है, तो ये वाला पावर सप्लाई यहाँ पे ATX 3.0 पावर मतलब केबल के साथ आ जाता है, जो कि यहाँ पे मतलब पावर डिलीवरी में काफी ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। एंड साथ ही साथ ये जो पावर सप्लाई है, खास बात इसका ये है कि ये मॉड्यूलर है, फुल्ली मॉड्यूलर है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको 80+ प्लैटिनम सर्टिफिकेशन मिल जाता है, जो कि एक और ज्यादा खास बात हो जाता है। एक और अच्छी बात है कि ये पावर सप्लाई ऑलरेडी मॉड स्लीव केबल्स के साथ आ जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा लुक हमारे इस वाले पीसी बिल्ड के अंदर प्रोवाइड भी करने वाला है। और अगर हम बात करते हैं केस के बारे में, तो यहाँ पे यूज किया जा रहा है असूस का ROG Strix हेलियोस व्हाइट एडिशन,
मतलब कितना बड़ा केस है देखो आप, बहुत बढ़िया यहाँ पे लुक ऑफर करेगी ये कैबिनेट। साथ ही साथ हमें यहाँ पे बिल्ड के अंदर भी काफी ज्यादा इजी होगा इस कैबिनेट के साथ में। और अप्रोक्स ये जो कैबिनेट अकेला है ना, यही कुछ आ जाता है 24,000 रुपए के आसपास। तो आप समझ सकते हो कितने इनसेन लेवल का कैबिनेट ये होने वाला है हमारे इस बिल्ड के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे ली एंड ली के यूनिफैन एसएल 120 इन्फिनिटी यूज किया जा रहा है, जो कि यहाँ पे टोटल चार किट का यहाँ पे यूज किया जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया लुक हमारे इस वाले बिल्ड के अंदर ऑफर करने वाला है। और साथ ही साथ अगर हम थोड़ा सा आ जाते हैं अपने एक्सेसरीज के ऊपर, लाइक हमारे कंपोनेंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट पीसी बिल्ड है। तो यहाँ पे इस साइड हमारा एलजी का 27GN950B जो कि एक 4K 144Hz का मॉनिटर है, मतलब 4K 144Hz बहुत नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस हमें ऑफर करने वाला ये मॉनिटर। और अगर हम आ जाते हैं इस साइड, तो यहाँ पे भाई हमारे बहुत सारे एक्सेसरी रखे हुए हैं। और यहाँ पे रखा हुआ है हमारा दूसरा मॉनिटर, जो कि हमारा असूस का आरओजी स्विफ्ट PG259QNR, एक 360Hz का मॉनिटर। लिटरली ये जो मॉनिटर है आ जाता है 360Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में, जो कि इनसेन बात है। एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे माउस के अंदर, तो माउस के अंदर यहाँ पे यूज किया जा रहा है असूस का आरओजी केरिस वायरलेस एम पॉइंट। और यहाँ पे हेडसेट के अंदर यूज किया जा रहा है असूस का आरओजी डेल्टा एस एनिमेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हेडसेट है। और साथ ही साथ यहाँ पे है हमारा कीबोर्ड के अंदर असूस का आरओजी क्लेमोर 2। यहाँ पे सारे के सारे एक्सेसरीज के ऊपर भी आपको यहाँ पे ऑरा सिंक मिल जाता है, तो जो सेटअप के अंदर लुक आएगा ना वो इनसेन लेवल का आएगा लिटरली। और साथ ही साथ वहाँ पे रखा हुआ हमारा एलगाटो का HD60 Pro, जो कि एक कैप्चर कार्ड है। ये 1080p 60fps के ऊपर मतलब आपके गेम्स और स्ट्रीम्स को कैप्चर कर पाएगा, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और काफ़ी ज़्यादा लंबा लिस्ट था, अब करते हैं हमारे इस वाले पीसी को बिल्ड एंड आप लोगों को दिखाते हैं कि आखिर में ये पीसी देखने में कैसा लगता है। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस यही था आज का हमारा 7.5 लाख रुपीस का पीसी बिल्ड विथ मॉनिटर कीबोर्ड माउस एंड ऑल द एक्सेसरीज।
तो बेसिकली ये जो PCF देखने में आखिर कैसा लगा हमें कमेंट के अंदर डेफिनेटली बताना है। एंड साथ ही साथ अगर आपको ऐसा सिमिलर सा PC बिल्ड करना है RTX 4090 के साथ में, डेफिनेटली हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर आपको ऊपर मिल जाएगा। और अब टाइम आ चुका है नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलने का, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने का। तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आए तो, और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।